हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, बिग गार्डन पर। सो मैं आज आपको नाइट टूर कराने जा रहा हूँ अपने गार्डन का। सो आप ये देख सकते हैं, गुड़हल के पौधे हैं, बहुत सारी कलियाँ हुई इस बार। ये मोगरा का है और कढ़ी पत्ता उसमें लगा हुआ है। ये भी गुड़हल के हैं, दोनों गुड़हली के हैं। बहुत सारी कली आई हुई हैं। पिछले सीजन में तो कली आया ही नहीं था, इस बार तो ज्यादा कली आया है। इसके पीछे बहुत ही केयर की बहुत जरूरत है। रेगुलर बेसिस पे इस पे मैंने फर्टिलाइजर डाला है, लिक्विड फर्टिलाइजर डाला है। ये पिटूनिया, इसे मैंने दूसरे वाले गमले में लगाया था, पर उसमें मैंने कुछ और लगाया तो मैंने इधर रिपोर्ट कर दिया है। ये जो भी प्लास्टिक के बाल्टी थे पेंट वाले, उसमें मैंने मिर्च का पौधा लगाया है। ये कड़ी पत्ता, इसमें मई के महीने में शायद बीज आना स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई के महीने में। ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे तब इन्हें दूसरे गमले में डाल दें, तो वहाँ से वो नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कनेर का पौधा, ये मैंने बहुत छोटा सा लाया था नर्सरी से, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसे तो फुल सनलाइट चाहिए, कनेर को डेजर्ट प्लांट है ना, सो इन लोग को ज़्यादा जितना धूप मिलेगा उतना फ़ायदा होगा इन लोगों के लिए। ये वाइट अपराजिता का बेल है, और ये तुलसी जी सूख चुकी हैं, इन्हें निकालना है। सदाबहार के तो पौधे कहीं भी निकल आते हैं। ये नील अपराजिता का बेल है, और ये डबल चांदनी। मैंने अधिकतर लगाए हैं मिट्टी के गमले में। मिट्टी का गमला ज़्यादा अच्छा होता है, प्लास्टिक का गमला जितना कम यूज़ हो सके उतना यूज़ करें, मिट्टी का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी जो है अंदर जो आपका जो सॉयल मिक्सचर है उसको ठंडा रखता है, प्लास्टिक जो है हीट को ट्रैप करके रखता है, सो आपके रूट को लॉस हो सकता है। ये वाइट गुड़हल के पौधे हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी है पोटोगोस का, विनका का, पिंक में है, और मेरे पास दो वाइट रंग के देसी वैरायटी हैं। हाइब्रिड में ऐसा हाइब्रिड देखने तो खूब सुंदर लगते हैं, पर ये क्या होता है, उसमें ज़्यादा पानी एक्सेस वाटर के कारण वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जितने भी पीछे मेरे उड़हल के पौधे देखे हैं, सब इसी से मैंने कटिंग करके लगाया है। सो बेसिकली इट इज़ द मदर प्लांट। इसमें पिछले साल बहुत कम के लिए आता था, सो इस साल मैंने कुछ ज़्यादा ही केयर किया है, बहुत ज़्यादा ढेरों मात्रा में के लिए आया है। अभी तो पता नहीं कितने फूल टूट भी चुके हैं, सुबह में टूट जाते हैं पूजा के लिए, आई थिंक वर्शिप के लिए। सो फिर भी इसके बावजूद भी नए नए कली निकलते रहते हैं। सो प्रॉपर फीडिंग बहुत ज़रूरी है, जब कली बने इस पर प्रॉपर फीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये चांदनी के पौधे, ये प्लास्टिक के गमला ही में है, बट मैं चाह रहा हूँ इसे रिप्लेस करना है मिट्टी के गमला में, रिपोर्ट करने का सोच रहा हूँ। बाकी सब देखेंगे तो सब आपको दिखेगा कि मिट्टी के गमले में है। ये बोनसाई वैरायटी का है, बोगनवेलिया पिंक वाला, ये ऑलमोस्ट डाई हो चुका था। सो मैं इसे तुरंत नर्सरी ले गया, उन्होंने सॉइल मिक्सचर पता नहीं क्या क्या उसमें डाला है, DAP, वर्मी कंपोस्ट, फिर इसे रिपोर्ट किया। आई थिंक ये 10 इंच के गमला में है। ये आशीर्वाद आटा के जो बैग आता था उसमें मैंने मिट्टी भर के लगा दिया। जब बंच में खिलते हैं तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं देखने में। मुझे जो भी छोटे छोटे दिखते हैं पॉट, उसमें मैं लगा देता हूँ पुटुलगा का वैरायटी। ये अगेन मिर्च का पौधा, सम्मी, इसमें मैंने पिछले साल मोगरा आप देखे थे पीछे, जिसमें वो मोगरा और कढ़ी पत्ता एक ही गमले में था, उसी मोगरे के पौधे से मैंने कटिंग करके लगाया था।
इस साल इसमें कलि भी आया और ये तुलसी जी, हर एक घर में तुलसी जी होना बहुत ज़रूरी है, हमारे घर को शुद्ध रखती है। ये जो ऊपर आपको दिखता है इसे तुरंत हटा दिया कीजिए, ये जो है तुलसी जी को बढ़ने देता ही नहीं, फैलने ही नहीं देता है। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि उस गमले में कढ़ी पत्ता और मोगरा दोनों है, मैंने इसी गमले से मैंने काट के सम्मी जी के पौधे गमले में मैंने लगाया था और उसमें भी कली आ रहा है। इसमें मैं तो इस साल निकालने ही वाला था, पता नहीं कली आता ही नहीं था, इस साल कली भरपूर मात्रा में आया है। इसके पीछे बहुत कड़ी तपस्या मैंने की है इस कली के लिए। इसे छाटने का सोच रहा हूँ, ये बहुत गंदा लगता है देखने में, पूरा लुक को खराब कर देता है। जो डाई हो चुका है पौधा, जब भी नीचे पूजा होता है सत्यनारायण जी का तो मैं ये गमला ही को ले जाता हूँ, लोग केला का पत्ता यूज करते हैं पर मैं गमले को ले जाता हूँ। तो उसमें जो हवन होता है तो उसके जो गर्मी से ये कुछ कुछ पत्ते जो हैं डाई हो चुके हैं, इन्हें निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, ऊपर जब व्हाइट कलर जार देख रहे थे उसी पे मैंने ये गुड़हल का पौधा लगाया था, सो बिल्कुल नहीं भर रहा था उसमें, तो मैंने इसे रिपोर्ट किया नीचे। अच्छा, इस चैनल का जो नाम है बिग गार्डन, लोग सोचते हैं गार्डन बिग तो है नहीं, फिर भी अपना चैनल का नाम बिग गार्डन रखा है। तो बेसिकली इसके पीछे थिंकिंग है पीछे कि आपका गार्डन भले ही छोटा हो पर आपका जो थॉट है गार्डनिंग का, जो आप सोच रहे हैं वो बिग होना चाहिए, किस छोटे से एरिया में ऐसा क्या करें कि देखने में बहुत अच्छा लगे। सो ये थिंकिंग जो है मुझे क्लिक की, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम बिग गार्डन रखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।